हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस। पिछले वाली वीडियो में अपन ने दो रेशनल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसेस पढ़ा था। इस वीडियो में अपन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर इसके बारे में पढ़ेंगे। और ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसकी क्या क्या आइडेंटिटीज होती है ये अपन इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर पे ऑपरेशन जो है क्या क्या है वो अपन इसमें देखते हैं। ऑपरेशन की फॉर्म में अपन यहाँ एडिशन लेंगे, सब्सट्रैक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे और डिवीजन लेंगे। ये चार प्रकार के आप ऑपरेशन लेंगे, मतलब ये चार प्रकार की प्रक्रिया लेंगे, चार प्रकार के प्रोसेस लेंगे। अब हम सबसे पहले रेशनल नंबर पे ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि रेशनल नंबर पे हम एडिशन का प्रोसेस लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस लगाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस। तो दो कोई रेशनल नंबर है, इसके बीच में ये जो मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये होता है ये ऑपरेशन है। यहाँ प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है और डिवाइड आ सकता है। तो दो रेशनल नंबर है और दोनों रेशनल नंबर पे अपन ऑपरेशन जब लगाएंगे तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि रेशनल नंबर पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, इनटू वाला, डिवाइड वाला, तो हमारा आंसर भी जो मिलता है वो रेशनल नंबर मिलता है। तो देखते हो यहाँ दो रेशनल नंबर लिए, ये दोनों यहाँ देखो मैंने ऐड किया है, मतलब एडिशन का प्रोसेस किया है। तो ऐड करने पर इसका आंसर आता है 12/5। ये भी अपने पास रेशनल नंबर ही आता है। दो रेशनल नंबर का ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया रेशनल नंबर। अब हम दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम देखते हैं हमारे पास जो आंसर आता है 8/5 ये भी क्या होता है? रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का, 10/5 और 2/5 मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे ऑपरेशन, तो इसका आंसर आएगा 20/25। 5 की टेबल से कटेगा 4/5, 4/5 देख सकते हैं आप यहाँ रेशनल नंबर है। फिर डिवाइड का ऑपरेशन 10/5 डिवाइड 2/5, जब हम इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 की टेबल से कटेगा 5 आएगा। 5 को अपन यहाँ नीचे नहीं है डिनोमीटर तो अपन 1 लिख सकते हैं, तो P/Q यानी ये रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर पे हम ऑपरेशन एडिशन का लगावे, सब्सट्रैक्शन का लगावे, मल्टीप्लाई का लगावे और डिवाइड का लगावे, तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर ही मिलता है। दूसरा ऑपरेशन वो हमें लगाना है वो इरेशनल पर, यानी कि इरेशनल लिया, इधर भी इरेशनल लिया, तो इरेशनल और इरेशनल के बिटवीन जो ऑपरेशन लगेगा तब आंसर जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। अब कैसे आता है देखो, देखते हैं। जैसे ये रूट वाली वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी रूट वाली वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे √6 है, अब मैंने यहाँ प्लस किया −√6, तो मैंने यहाँ एडिशन वाला ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ आंसर आता है 0। 0 एक इंटीजर है, इसको 0/1 लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन प्लस वाला लगाया यानी एडिशन लगाते हैं तो हमारा आंसर रेशनल नंबर आता है। इरेशनल पर रेशनल नंबर आया। फिर इसी तरह सब्सट्रेट वाला लेते हैं, 0 आता है, 0/1 रेशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाता है, रूट हट जाता है, तो 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 P/Q की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर। √17 ये डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड वाला ऑपरेशन, तो यहाँ कट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बिटवीन कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारा आंसर रेशनल नंबर मिलता है। अब अगला वाला है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बिटवीन आप ऑपरेशन लगा रहे हो। यहाँ जैसे देख सकते हैं 2 रेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर, दोनों के बिटवीन मैंने प्लस वाला प्रोसेस यानी एडिशन वाला लगाया। यहाँ 5 रेशनल नंबर, 5/1 लिख सकते हैं, −√3 ये
सबस्टेशन वाला ऑपरेशन, यहाँ टू रेशनल नंबर, ये रूट थ्री इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर डिवाइड में भी। तो हम चारों प्रोसेस देखें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन लगाना है, प्लस वाला, माइनस वाला, डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला, तो हमेशा इसका आंसर इरेशनल नंबर मिलता है। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बिटवीन ऑपरेशन है तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। अगर पहले इरेशनल नंबर हो, इधर रेशनल नंबर हो, दोनों के बिटवीन अगर ऑपरेशन हो तो भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। यानी रूट टू प्लस टू करें तो भी इरेशनल ही आएगा, रूट थ्री प्लस फाइव ऐसा करें तो भी इरेशनल ही आएगा, रूट थ्री इंटू टू तो भी इरेशनल ही आएगा, रूट फाइव अपॉन सेवन करें तो भी इरेशनल ही आएगा। मतलब रेशनल इरेशनल तो भी इरेशनल आएगा, इरेशनल रेशनल तो भी इरेशनल ही आएगा। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसी प्रोसेस से अपन को इसका आंसर देना है कि नीचे जो भी लिखे हैं, ये पाँच पाँच लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये इरेशनल है कि रेशनल है। पहला वाला है 2 माइनस रूट फाइव, दूसरा है 3 प्लस रूट 23, ये ब्रैकेट में है, और ये माइनस रूट 23, ये भी ब्रैकेट में है। अब यहाँ थर्ड वाला दे रखा है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, फोर्थ वाला दिया दे रखा है 1 अपॉन रूट 2, फिफ्थ वाला दे रखा है 2 पाई दे रखा है। अब इसमें आपको देखना है कि रेशनल है या इरेशनल है, तो इसको अपन देखते हैं ऐसे। ये वैल्यू यहाँ लिखी, अब आप देख सकते हो ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल के बिटवीन हमने पढ़ा था, अगर कोई भी ऑपरेशन हो तो हमारा आंसर क्या बताता है, इस वाले प्रोसेस से क्या बताता है, इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, यहाँ माइनस वाला यानी कि सबस्टेशन वाला ऑपरेशन लगता है तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर मिलता है। ये वैल्यू जो दे रही है 3 प्लस अंडर द रूट 23 माइनस अंडर द रूट 23, इसको जब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये वैल्यू इस तरह से आती है। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट जाती है, प्लस माइनस में कटने के बाद हमारा आंसर आता है यहाँ 3। अब 3 देख सकते हो आप रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है। थर्ड वाला 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, अब रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2 अपॉन 5 बचेगा, ये आपको क्या दिखता है, बिना रूट वाला है तो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर रेशनल नंबर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से क्या है, ये तो 1 दिख रहा है आपको रेशनल नंबर, रूट 2 दिख रहा है इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर का ऑपरेशन जब इस तरह से दिखे तो हमारा ये जो मिल रहा है इसका मतलब वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। अब 2 इंटू पाई, 2 तो यहाँ आ गया आपका रेशनल नंबर, और पाई, पाई हमेशा याद रखना है ये इरेशनल नंबर होता है। पाई की जब वैल्यू लेते हैं 22/7, 22/7 हमेशा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो इंटू दिख रहा है यहाँ, रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटू, वो हमेशा इरेशनल नंबर बताता है। इस प्रोसेस से अपने देखा था ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब हमने क्या किया है, ए और बी दो रियल पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसकी बिटवीन जो आइडेंटिटी होगी वो कौन कौन सी होगी वो अपन ने लिखी है, देखते हैं। ए बी जो अंडर द रूट दे रखा है, इसको हम अलग अलग अंडर द रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में एक में ही है लेकिन यहाँ अपने अलग अलग लिख सकते हैं। ये इसका पहला वाला एक तरह का फॉर्मूला आइडेंटिटी, रूट ए और रूट ए, अगर रूट ए और रूट ए का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी अंदर वाली वैल्यू आ जाती है। तो जैसे अपन ने यहाँ किया था रूट थ्री रूट थ्री, तो आंसर आया 3, तो अंदर वाला वैल्यू रहेगी और रूट हट जाएगा। अगला वाला जो आइडेंटिटी है वो डिवाइड वाली है, रूट ए, ए अंडर द रूट ए अपॉन बी है, तो इसको अपन अलग अलग अंडर द रूट में लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। फिर यहाँ देखो अलग अलग दो ब्रैकेट की फॉर्म में दिख रहा है अलग अलग आइडेंटिटीज, यहाँ दोनों ए और बी जो है वो अंडर द रूट में दे रखी है लेकिन बीच में प्लस वाला है, यहाँ देखो माइनस वाला है। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसे दो ब्रैकेट की फॉर्म में ए बी दो पॉजिटिव रियल नंबर दिखे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी कि इसका रूट हट जाएगा। फिर यहाँ ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, यहाँ देखो ऐसा का ऐसे ही है लेकिन यहाँ ए
रूट वाला था या विदाउट रूट वाला है, तो इसका आंसर ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी आएगा, ये इसकी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ देखना है इस वाले ब्रैकेट में रूट ए है प्लस रूट बी है, इसमें रूट सी और रूट डी अलग अलग है, चारों टर्म अलग अलग दे रखी है अलग है, तो अपन क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे ए को इससे किया तो रूट ए सी हो गया, ए को डी से किया तो रूट ए डी हो गया, बी को सी से किया तो रूट बी सी हो गया, बी को डी से किया तो रूट बी और डी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये आइडेंटिटी ओपन होती है। अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी अपन को इस तरह से याद रखनी है ए प्लस टू अंडर द रूट ए बी प्लस बी। तो इस तरह से अपन ने इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर ये देखा था, और रियल नंबर की ए और बी अगर दो पॉजिटिव लेते हैं तो कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है वो अपन ने देखी 7 तक, और इसके इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।